हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म यानी कि डाउट नट पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज यूपी बोर्ड के एग्जाम शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, पहला पेपर और वो भी हिंदी का। जी हाँ, कहते हैं हिंदी का पेपर बड़ा लेंथी होता है, बड़ा लंबा होता है, क्या सच है? तो जानते हैं बच्चों से, किन बच्चों से? उन्हीं बच्चों से जो आज अपना हिंदी का पहला पेपर दे रहे हैं। जी हाँ, तो आज हम हैं एक ऐसे ही एग्जाम सेंटर पे, राजकीय इंटर कॉलेज नोएडा यानी कि सेक्टर 12 के अंदर। तो पेपर एंड होने वाला है, बच्चों ने कैसा पेपर दिया, कैसे आए क्वेश्चन, क्या हुई घबराहट, क्या कर पाए, तो ये सभी सवालों के जवाब कौन देगा? ये बच्चे देंगे। तो चलिए लेते हैं बच्चों का रिव्यू। तो पूजा तिवारी। पूजा तिवारी, कहाँ से आए हो आप? हम आए सेक्टर 15 नोएडा। सेक्टर 15 में। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो 12वीं का हिंदी का पेपर देके आए हो, ये इजी था या टफ था? इजी था सर। इजी था? हाँ जी सर। पढ़ाई करके गए? हाँ जी सर। चलिए, जो मैम ने पढ़ाया था वही हमने दिया है। जो मैम ने पढ़ाया वही दिया है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, कितने नंबर आ सकते हैं? 50 से ऊपर ही आ सकते हैं। 50 प्लस? हाँ जी सर। अच्छा, कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप लोग? हम लोग मतलब घर पे तो 1-1.5 घंटे देती थी सर। चलिए ओके, थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है? शीतल। शीतल, एक बात बताओ, कैसा रहा पेपर? बहुत 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 से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा अच्छा था। बहुत बढ़िया, कितने नंबर आएंगे? 60 से ऊपर ही समझ लें। अच्छा चलो, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपका नाम क्या है? हिना। हिना, कहाँ से आए हो आप? सर, यहीं पे रहते हैं, तो बार बार इसमें। अच्छा, एक बात बताओ, पेपर देख के डर तो नहीं लगा? बिल्कुल भी नहीं, हमने जैसा सोचा था उससे अच्छा गया। अरे सर, बहुत ही हमारी खुशी देख के हमें पता चला कि हमें कितने। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? हम वैसे तो हम 1-2 घंटे करते, लेकिन जब पेपर आ रहे तो फिर तो 4-5 घंटे करना ही पड़ता है। बहुत है, कितने नंबर आ सकते हैं? सर बहुत आ जाएंगे, हमारे तो जितने हिसाब से किया हमने। चलिए ओके, तो सबसे पहले तो अपना दोस्त नाम बताओ। मेरा नाम कुणाल चौहान है। कुणाल, 12वीं का पेपर देके आए हो, ये इजी था या टफ था आपके लिए? इजी था। आपके लिए इजी था? कितने छोड़ के आए हो, कितने करके आए हो? एक क्वेश्चन छोड़ा है। अच्छा, ये जो पेपर दिया है आपने, इसके लिए आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? 3 घंटे। 3 घंटे। अच्छा, एक बात बताओ, कितने नंबर आने की संभावना है आपकी? 70 प्लस। चलिए ओके, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नाम काजल है, मैं राजकीय इंटर कॉलेज में पढ़ती हूँ। अभी मैंने इंटर का एग्जाम दिया है। इंटर का एग्जाम देके आया हूँ, हिंदी का पेपर था, ये इजी था या टफ था आपके लिए? इजी था, क्योंकि मैंने पढ़ा था इसलिए इजी था। अच्छा, कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप, ईमानदारी से अगर पूछा जाए? ईमानदारी से मैं घर में तो जल्दी नहीं पढ़ती थी, स्कूल में पढ़ती थी, बाकी ट्यूशन लगी थी तब पढ़ती थी। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात बताओ, पेपर देख के डर तो नहीं लगा? पेपर देख के पहले घबराहट से लगा था, फिर उसे जब करने लगी तब इजी था तो कर लिया। बहुत बढ़िया, कितने नंबर आ सकते हैं? फिर भी आ जाएंगे 75 प्लस। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अपना नाम बताओ। मोइन खान। मोइन खान, कहाँ से आए हो आप? सदरपुर, सेक्टर 45। सेक्टर 45 से। हिंदी का पेपर हो गया? यस सर। अच्छा, 12वीं का जो पेपर था, ये आपके लिए टफ था या इजी था? नहीं सर, सही था। सही था? हाँ। जो पढ़ के आए थे वही आया? हाँ सर। चलिए, अच्छा, कितने नंबर का क्वेश्चन किया आपने, कितने क्वेश्चन किया? मैंने 1% छोड़ा है। अच्छा, 1% छोड़ा, बाकी सारे कर दिए। कितने नंबर आ सकते हैं आपके? मेरे 70 तक तो आ जाएंगे। 70 आ जाएंगे, 70 प्लस है? यस सर। चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो आज देखा आपने कि 12वीं का हिंदी का पेपर था और बच्चों ने बहुत बेहतर तरीके से किया। हालांकि कुछ ही बच्चे ऐसे भी मिले जिन्होंने बोला कि भाई हमें समझ में नहीं आया, या बहुत से बच्चों ने ये बोला कि हमें थोड़ी दिक्कत हुई, परेशानी हुई। बट हाँ, ओवरऑल जो भी था पेपर, ठीक ठाक था, किसी के लिए ठीक था, किसी के लिए ठीक नहीं था। तो ये हमने रिव्यू लिया, बच्चों के रिएक्शंस लिए, राइट। अगले पेपर के अंदर हम और लोगों से रिएक्शन लेंगे, तो तब तक के लिए बने रहिए डाउट नट के साथ।